दलीप सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, दलीप कुमार ने हम सबका साथ 7 जुलाई को छोड़ दिया, लेकिन उनकी ऐसी कई फिल्में हैं जो आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। वहीं आपको बता दें कि 60 और 70 के दशक की सुपरहिट हीरोइन वैजयंती माला, जी हाँ वैजयंती माला के साथ दिलीप कुमार की जोड़ी को उस समय बहुत सराहा गया है। जी हाँ, दिलीप कुमार के निधन के बाद वैजयंती माला ने एक वीडियो शेयर कर दुख भी जाहिर किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब दिलीप कुमार वैजयंती माला के प्यार में पागल हुआ करते थे। जी हाँ, दोनों की शादी तक होने वाली थी, लेकिन ये शादी हो नहीं पाई। आखिर इन दोनों की कहानी क्या थी, दोनों किस मोड़ पर आकर अलग हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि कैसे इन दोनों की कहानी शुरू हुई और कैसे इस कहानी का अंत हो गया, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो वैजयंती माला अपने समय की सुपरस्टार रही थी। आपको बता दें कि वे साउथ से हिंदी फिल्मों में आई पहली सुपरस्टार थी। डांस में पारंगत वैजयंती माला को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वैजयंती माला की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत सराही गई। कहते हैं कि एक वक्त था जब दिलीप कुमार वैजयंती माला के इश्क में दीवाने थे। उनकी जोड़ी पहली बार पर्दे पर 1955 की फिल्म देवदास में दिखाई पड़ी थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास और वैजयंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। देवदास ने वैजयंती माला के काम की इतनी तारीफ कर दी कि फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन, जो पारो बनी थी, उनसे नाराज हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए जब वैजयंती माला को सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का अवार्ड मिला, तो उन्होंने अवार्ड लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि फिल्मों में वो साइड हीरोइन नहीं बल्कि सुचित्रा सेन की तरह हीरोइन थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने बीआर चोपड़ा के बैनर में बनने वाली अगली फिल्म नया दौर के लिए वैजयंती माला के नाम की सिफारिश की। वैजयंती माला और दिलीप कुमार को जानने वाले बताते हैं कि दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में आईं, जैसे मधुमति, पैगाम, गंगा जमुना। जी हाँ, तो 1964 में आई सुपरहिट फिल्म लीडर में एक बार फिर दोनों साथ में नजर आए। उस फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ महसूस की जा सकती थी। वैजयंती माला सुपरहिट थी, उन्होंने उस दौर में नंबर 1 हीरोइन कहे जाने का सौभाग्य भी हासिल किया था। उनके पास एक के पढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने फिल्म एक की थी 1967 में आई लेख टंडन की फिल्म आम्रपाली। इस फिल्म में वैजयंती माला ने टाइटल रोल निभाया था और उनके नायक थे सुनील दत्त। आम्रपाली वैजयंती माला के लिए एक चैलेंजिंग रोल था। वे एक नगर वधु का कैरेक्टर निभा रही थी और उनके हिसाब से उन्हें फिल्म में कंचुकी और धोती पहननी थी। वैजयंती माला इन कपड़ों में सहज नहीं थी। उस दिन वहाँ उनसे बिना बोले दिलीप कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ आ गए। वे अपने दोस्तों से वैजयंती माला को मिलवाने लाए थे। वैजयंती माला उन कपड़ों में दिलीप कुमार और उनके दोस्तों से मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने निर्देशक लेख टंडन से कह दिया कि वो इन कपड़ों में सबके सामने शॉट नहीं देंगी। सेट पर सिर्फ निर्देशक और कैमरामैन के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेख टंडन ने यह बात दिलीप कुमार को बता दी। दिलीप साहब उस वक्त वहां से निकल गए, पर मन में एक गांठ बांध दी। तय कर लिया कि वे वैजयंती माला से कोई रिश्ता तक नहीं रखेंगे। उन दोनों के पहले से साइन की फिल्म संघर्ष किसी तरह रो रो कर पूरी हुई और 2 साल बाद रिलीज हुई। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम ही नहीं किया। एक रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। वही एक समय था जब वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी ऑन स्क्रीन हिट थी और लोग दोनों को बहुत पसंद करते थे। एक बार दिलीप कुमार के देर से शूट शेड्यूल के कारण निर्देशक ने वैजयंती माला को अपना शेड्यूल बदलने के लिए कहा, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर वो दिलीप कुमार हैं तो मैं भी वैजयंती माला हूँ। अभिनेत्री के ऐसे तेवर भी सुर्खियों में थे।
जी हाँ, वर्ष 1955 में वैजयंती माला की 5 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उनकी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। सभी को लगने लगा कि उनका करियर अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर वैजयंती माला ने अपना करियर बनाया और दिलीप कुमार की देवदास फिल्म के साथ वापसी की। 60 के दशक में वो हर फिल्म में नायकों की तुलना से बेहतर परफॉर्मेंस देती थी और वह सभी प्रशंसकों के दिलों को जीतती थी। वैजयंती माला जो दक्षिण से ताल्लुक रखती थी और वो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के लिए आज भी जानी जाती है। अभिनेत्री का सेमी क्लासिकल डांस आज के समय में हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। वह अपने शानदार स्टेप्स लोगों के दिलों को मोह लेती हैं। जी हाँ, उन्होंने फिल्म नागिन में तन डोले मेरा मन डोले पर डांस किया और जो दर्शकों को झूमने पर भी मजबूर कर चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि वैजयंती माला 60 के दशक की सुपरहिट हीरोइन रह चुकी हैं। जी हाँ, उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी खासा पसंद की गई है, लेकिन अब जब दिलीप कुमार इस दुनिया में नहीं है तो इस बात को लेकर भी वैजयंती माला ने दुख जताया। उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार के जाने के बाद उन्हें कितना दुख हुआ। इस वीडियो में वैजयंती माला कई फिल्मों में अपने को स्टार रहे दिलीप कुमार के बारे में बात कर रही थी। वो बताती हैं कि दिलीप कुमार से उनके घरेलू संबंध थे, उन दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया था। ऐसे में दिलीप साहब के गुजर जाने की खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। आपको बता दें कि 1955 में आए देवदास वो पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने साथ काम किया। इसके बाद वो दोनों नया दौर, मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना और लीडर समेत कुल 7 फिल्मों में साथ दिखे थे। जी हाँ, अपने इस वीडियो में वैजयंती माला कहती हैं कि सायरा बानो उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी को बेस्ट टीम कहती हैं। जी हाँ, 1961 में आई गंगा जमुना वो इकलौती फिल्म रही जिसमें दिलीप कुमार ने लिखा और प्रोड्यूस किया था। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म को दिलीप साहब ने ही डायरेक्ट किया था, मगर डायरेक्टर की तख्ती पर नाम नितिन बोस का लिखा गया। घोस्ट डायरेक्शन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति खुद फिल्म डायरेक्ट करे मगर उसका क्रेडिट किसी और को दे दे। जी हाँ, आपको बता दें कि हम गंगा जमुना की बात कर रहे थे। जी हाँ, ये फिल्म गंगा और जमुना नाम के दो भाइयों की कहानी थी जिसमें वैजयंती माला का भी मुख्य रोल था और दोनों साथ नजर आए थे। जी हाँ, आपको बता दें इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बहुत सराहा गया था, ऑफ स्क्रीन भी इनकी जोड़ी को पसंद किया गया था। जी हाँ, तो आज दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं है लेकिन हर कोई उन्हें बहुत याद करता है। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना वैजयंती माला और दिलीप कुमार की कहानी। जी हाँ, दोनों किस तरह मिले, दोनों की कई सुपरहिट फिल्में साथ आई, देवदास फिल्म से दोनों ने अपने करियर की शुरुआत तो नहीं, दोनों ने अपनी फिल्मों की शुरुआत की साथ में। जी हाँ, इसके बाद इन दोनों के साथ में कई सारी फिल्में आई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों ने साथ काम करने से भी मना कर दिया। जी हाँ, इन दोनों का रिश्ता उस मोड़ पर आकर खत्म हो गया। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।